आज के संक में हम डॉक्यूमेंट्री फिल्म द रिडीम टीम के ट्रेलर की कहानी आपसे साझा करने वाले हैं। साहस और कठोर परिश्रम से भरपूर इस ट्रेलर में अमेरिकी बास्केटबॉल टीम के संघर्ष को काफी बारीकी से दर्शाया गया है। संघर्ष और प्रेरणा से भरपूर डॉक्यूमेंट्री फिल्म द रिडीम टीम का ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म 2008 के ओलंपिक खेलों की अमेरिकी बास्केटबॉल टीम पर आधारित है। इसमें 2004 के ओलंपिक और 2006 के फीबा वर्ल्ड कप में अमेरिका को मिली हार के बाद उनके संघर्ष को दर्शाया गया है। Everybody's like, we can never have this feeling ever again. We had to figure out how to become a team. इन दो बड़े प्रतियोगी खेलों में हार से अमेरिका के बास्केटबॉल प्रेमियों को बड़ा झटका लगा था। उस दौर में मशहूर अमेरिकी बास्केटबॉल लीग NBA की प्रासंगिकता पर भी सवाल उठ रहे थे, लेकिन इस हार के बाद अमेरिकी बास्केटबॉल टीम ने अपने खेल में सुधार लाने के लिए पूरी तत्परता दिखाई। खिलाड़ियों ने अपनी मेहनत और कठोर परिश्रम का शानदार परिचय देते हुए 2008 के ओलंपिक खेलों में टीम को बेहतरीन वापसी करा के स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। इस ट्रेलर में अमेरिकी कप्तान कोबे ब्रायंट और टीम के कोच माइक क्रजीजियोस्की की रणनीति की झलक भी देखने को मिलती है। फिल्म के ट्रेलर में कप्तान कोबे ब्रायंट के अलावा लेब्रॉन जेम्स, ड्वेन वेड और कार्मेलो एंथनी जैसे बास्केटबॉल के बड़े नाम भी दिखाई दे रहे हैं। ये डॉक्यूमेंट्री फिल्म 7 अक्टूबर से नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होगी। डीडी न्यूज़।